गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वर्कशीट 3। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय 11। हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए टेस्ट करना है गिवन नंबर्स के लिए। ए पार्ट, 8,66,11,291। सबसे पहले हम गिवन नंबर को राइट करेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, हम यहां पर ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम फाइंड करेंगे। गिवन नंबर में हम पीछे से वन प्लेस वाले डिजिट को सर्कल करेंगे, फिर एक डिजिट को छोड़ के अगले वाले डिजिट को सर्कल करेंगे, फिर एक डिजिट को छोड़ के अगले वाले डिजिट को सर्कल करेंगे, फिर एक डिजिट को छोड़ के अगले वाले डिजिट को सर्कल करेंगे। जिन डिजिट्स को हमने सर्कल किया है वो ओड प्लेसेस होंगे, उनका सम फाइंड करेंगे हम। 6+1+2+1=10 बनेगा। रिमेनिंग डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस होंगे, उनका भी हम सम फाइंड करेंगे। 8+6+1+9=24 बनेगा। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है सम ऑफ ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स का और सम ऑफ इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का। इन दोनों के लिए इनमें से जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले सम को माइनस करेंगे, डिफरेंस बनेगा 24-10=14। क्योंकि डिफरेंस हमारा ना जीरो है और ना ही कोई 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर अगर डिफरेंस हमारा या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए, मीन्स 11, 22, 33 इस तरह का कोई नंबर बने, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नोट। दिस इंप्लाइज 8,66,11,291 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। पार्ट बी, 1,01,01 को राइट करेंगे, वन प्लेस को सर्कल करेंगे, उसके बाद अल्टरनेट डिजिट को सर्कल करेंगे। जिन डिजिट्स को हमने सर्कल किया है उन डिजिट्स को हम ओड प्लेसेस बोलेंगे और जिनको सर्कल नहीं किया है वो हमारे डिजिट इवन प्लेसेस वाले बनेंगे। दोनों का सम फाइंड करेंगे। ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स प्रेजेंट है उनका सम बनेगा 0+0+1=1। इवन प्लेसेस वालों का सम फाइंड करेंगे, 1+0+0 वो भी इक्वल टू 1 आएगा। डिफरेंस हमारा होगा सम्स के लिए 1-1=0। क्योंकि हमारा यहाँ पर डिफरेंस 0 बना है इसीलिए गिवन नंबर 1,01 इज डिविजिबल बाई 11 होगा। आंसर पार्ट सी, 94,27,355। गिवन नंबर्स में हम ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को मार्क करेंगे। ओड प्लेसेस हमारे सर्कल वाले सभी डिजिट बनेंगे। वन प्लेस को आपने सर्कल करना है, उसके बाद वन डिजिट छोड़ना है, फिर सर्कल करना है, फिर वन डिजिट छोड़ना है, फिर सर्कल करना है, फिर वन डिजिट छोड़ना है, फिर सर्कल करना है। अब हम ओड प्लेसेस वाले डिजिट जो सर्कल में प्रेजेंट है उनका सम फाइंड करेंगे। 9+2+3+5=19 होगा। सिमिलरली इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका भी सम फाइंड करेंगे। 4+7+5=16 होगा। डिफरेंस निकालेंगे, 19-16=3। यहाँ पर फिर चेक करेंगे, हमारा जो डिफरेंस बना है ना ही वो इक्वल टू जीरो है और ना ही वो 11 का मल्टीपल है। दिस इंप्लाइज गिवन नंबर 94,27,355 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। दैट इज आवर आंसर। पार्ट डी, 70,23,643। नंबर राइट करेंगे, पीछे से वन प्लेस को सर्कल करेंगे, इसी तरह से अल्टरनेट एक एक डिजिट को छोड़ेंगे, अगले वाले को सर्कल करेंगे। हमारे सर्कल वाले सभी डिजिट ओड प्लेसेस वाले डिजिट होंगे। सम फाइंड करेंगे, 7+2+6+3=18 बनेगा। रिमेनिंग डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस वाले होंगे, उनका भी सम फाइंड करेंगे। 0+3+4=7 बनेगा। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है ओड प्लेसेस वाले सम का और इवन प्लेसेस वाले सम का। यहाँ पर डिफरेंस हमारा आएगा 18-7, दैट इज इक्वल टू 11। 11 हमारा 11 का मल्टीपल होता है।
11 का फर्स्ट मल्टीपल 11 ही होता है, इसीलिए हमारा गिवन नंबर डिविजिबल ऑफ 11 होगा। पार्ट ई, 5,83,34,661 गिवन नंबर को राइट करेंगे। वन प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे सर्कल करना, अगले वाले को छोड़ेंगे, फिर सर्कल करेंगे, अगले वाले को छोड़ेंगे, फिर सर्कल करेंगे, अगले वाले डिजिट को छोड़ेंगे, फिर सर्कल करेंगे और अगले वाले डिजिट को छोड़ेंगे। जिन डिजिट को हमने यहाँ पर सर्कल किया है वो हमारे डिजिट होंगे ओड प्लेसेस के लिए, और जिनको नहीं किया है वो डिजिट होंगे इवन प्लेसेस के लिए। दोनों का सम फाइंड करेंगे। ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम बनेगा 8+3+6+1=18 एंड इवन प्लेसेस वाले सभी डिजिट का सम बनेगा 5+3+4+6=18। डिफरेंस फाइंड करेंगे 18-18 0, क्योंकि डिफरेंस हमारा 0 बना है। दिस इंप्लाइज गिवन नंबर 5,83,34,661 इज डिविजिबल बाय 11। आंसर नेक्स्ट इज पार्ट एफ, 60,21,11,213 यहाँ पर भी गिवन नंबर को राइट करेंगे। अब पीछे से डिजिट को सर्कल करना शुरू करना है, अगले वाले को नहीं करेंगे, उससे अगले वाले को करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, फिर नहीं करेंगे, सर्कल करेंगे, फिर नहीं करेंगे और फिर सर्कल करेंगे। सर्कल वाले सभी डिजिट हमारे ओड प्लेसेस वाले डिजिट होंगे। सम फाइंड करेंगे 6+2+1+2+3=14 होगा। इवन प्लेसेस वाले डिजिट जिनको सर्कल नहीं किया है उनका भी सम फाइंड करेंगे, 0+1+1+1=3 बनेगा। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस होगा हमारा 14-3=11, और 11 क्योंकि हमारा डिफरेंस बना है और 11 11 का फर्स्ट मल्टीपल होता है। दिस इंप्लाइज 60,21,11,213 इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स डैश एंड डैश। आंसर इज 2 and 3, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हमने सीखा था कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो डिविजिबल होगा। 6 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3, तो गिवन नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स दैट इज 2 and 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर 2 and 3 दोनों ही हमारे को प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि 2 और 3 में केवल एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज ओनली 1। बी पार्ट, 43,185 इज डिविजिबल बाय 15 एज इट इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। आंसर इज 3 and 5। यहां पर भी आप 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट कर सकते हैं 3 × 5। कोई नंबर अगर 15 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, दैट इज 3 and 5, दोनों से डिविजिबल होगा। सी पार्ट, द नंबर 8,625 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट इज डिविजिबल बाय डैश बट नॉट डिविजिबल बाय डैश। आंसर इज 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 6 से वो डिविजिबल नहीं है। इसका मीनिंग है 6 के फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम राइट करते हैं तो 2 × 3 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर और वंज प्लेस पर हमारा इवन नंबर प्रेजेंट होता तो वो 2 से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर सम फाइंड करेंगे डिजिट्स का वो 21 बनेगा, क्योंकि 21 3 से डिवाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं गिवन नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा बट 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वंज प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले डिजिट नहीं प्रेजेंट हैं। डी पार्ट, द नंबर 54,420 इज डिविजिबल बाय 12 एज इट इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। आंसर इज 4 and 3, क्योंकि 12 को हम राइट कर सकते हैं 4 × 3।
अगर हम वंस और टेंस प्लेस से नंबर बनाते हैं तो वो 20 बनेगा, और 20 क्योंकि 4 से डिविजिबल हैं, 4 की टेबल में आता है। सो गिवन नंबर के लिए कन्फर्म हो जाएगा कि 4 से तो वो डिविजिबल हैं, अगर 4 से डिविजिबल हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 को राइट कर सकते हैं, और 12 से वो डिविजिबल हैं तो उसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा, दैट इज 4 से भी एंड 5 से भी। दूसरा हम डायरेक्ट 3 के लिए चेक भी कर सकते हैं, डिजिट्स का सम हमारा बनेगा 15, और 15 क्योंकि 3 की टेबल में आता है मींस डिविजिबल बाय 3 है। सो 4 से भी हम चेक कर सकते हैं, 3 से भी चेक कर सकते हैं, आंसर 4 एंड 3 राइट करेंगे। ई पार्ट, द नंबर 781022 इज डिविजिबल बाय 11 एज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज डैश। यहाँ पर हमने ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम बताना है। ओड प्लेसेस के लिए हम पहले वाले डिजिट को मार्क करेंगे या सर्कल करेंगे, सेकंड वाले को छोड़ देंगे, थर्ड वाले को मार्क करेंगे, फोर्थ वाले को छोड़ देंगे, फिफ्थ वाले को मार्क या सर्कल करेंगे। जो हमारे रेड कलर से यहाँ मार्क किए गए हैं वो ओड प्लेसेस डिजिट हैं, 8 + 0 + 2 ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम बनेगा 10। सिमिलरली रिमेनिंग डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस वाले हैं, उनका सम अगर हम फाइंड करते हैं 7 + 1 + 2 वो भी हमारा इक्वल टू 10 बनेगा। यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है, 10 - 10 डिफरेंस बनेगा 0, सो वी राइट 0। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस बुक्स बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी नंबर 9 के डिविजिबल हैं, और उसके लिए हमें बुक्स के अंदर एक डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना है। ए पार्ट गिवन है, यहाँ पर जिस डिजिट की वैल्यू को हमने फाइंड करना है उसे हम लेट करेंगे एक्स, सो वी राइट लेट द डिजिट इज इक्वल टू एक्स। अगर वो 9 का डिविजिबल है तो उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स भी 9 का डिविजिबल होना चाहिए, सो वी फाइंड सम ऑफ डिजिट्स 3 + 8 + 4 + x + 6 + 2। अब x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, रिमेनिंग डिजिट्स का सम करते हैं तो वो हमारा इक्वल रहेगा 23, और x की वैल्यू को एज इट इज प्लस में राइट कर देंगे। अब क्योंकि ये सम हमारा 9 का डिविजिबल है, इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू ऐड करने पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो 9 का मल्टीपल बनेगी, मीन्स 9 से डिवाइड होने वाला नंबर बनेगी। बी रिमेंबर, जो नंबर यहाँ पर आएगा वो 23 के अंदर समथिंग प्लस होगा। अब प्लस होने पर पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 23 है क्या ये 9 का डिविजिबल है, ये तो 9 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल हम राइट कर सकते हैं, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27। अब 23 में क्या ऐड करें कि हमारा 23 से बड़ा मल्टीपल हमें मिले, मीन्स 27 मिले, दैट इज आंसर इज 4। अब 4 को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा टोटल सम होगा दैट इज 23 + x वो किसके इक्वल होगा, 23 से बड़े मल्टीपल के, और 9 का 23 से बड़ा मल्टीपल यहाँ पर है 27। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो रिमेनिंग डिजिट्स का जो सम है वो हम 27 में से माइनस करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, मीन्स जिस डिजिट की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए बनेगा 4। बी पार्ट, यहाँ पर भी हमें डिजिट के लिए वैल्यू को फाइंड करना है, सो हम लेट करेंगे डिजिट को एक्स, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे 1 + x + 8 + 0 + 4 + 9 + 8, रिमेनिंग डिजिट्स का सम रहेगा 30, और जिस डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना है उसको हम एज इट इज एक्स राइट करेंगे। अब हमारे पास 30 क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं होता, अगर यहाँ पर 9 का मल्टीपल होता तो एक्स की वैल्यू 0 बन जाती, लेकिन क्योंकि 30 9 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में 30 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, इसके लिए आप 9 की टेबल रिसाइट करेंगे, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27 एंड 9 4 = 36। सो गिवन सम को हम 36 के इक्वल रखेंगे। अब रिमेनिंग डिजिट का सम 30 था और नेक्स्ट मल्टीपल हमारा 36 बना, इसीलिए हम अननोन डिजिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 36 में से रिमेनिंग डिजिट की वैल्यू को माइनस करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 36 - 30, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6 आंसर। पार्ट सी,
यहाँ पर भी हमें बॉक्स के अंदर डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना है, सो हम डिजिट को लेट करेंगे यहाँ पर भी x, सम ऑफ डिजिट्स हमारा बनेगा 9+0+8+0+x, एंड यहाँ पर हम रिमेनिंग डिजिट्स के सम को फाइंड करेंगे वो बनेगा 17, और जिस डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना उसको एज इट इज प्लस के साथ राइट करेंगे, सो टोटल सम बन जाएगा 17+x। अब यहाँ पर 17 जो है वो हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है, 17 से बड़ा जस्ट बड़ा हमारे पास 9 का मल्टीपल होगा 18, कौन सा होता है 18, सो यहाँ पर सम की वैल्यू को हम 18 के इक्वल रखेंगे, दिस इंप्लाइज 17+x इज इक्वल टू 18। यहाँ से हम मल्टीपल जो नेक्स्ट मल्टीपल बना है 18 उसमें से हम रिमेनिंग डिजिट के सम को माइनस करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18-17, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 आंसर। पार्ट डी, यहां पर भी हमें बॉक्स के अंदर डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना है, सो लेट द डिजिट इज इक्वल टू x, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे 4+6+x+2+1, दैट इज इक्वल टू 13+x। अब हमारा 13 से बड़ा जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 18, सो हम यहाँ पर जो हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड किया है उसको हम 18 के इक्वल रखेंगे। अगर हम अननोन डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट मल्टीपल में से रिमेनिंग डिजिट्स के सम को माइनस करेंगे, दैट इज 13 को माइनस करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18-13, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल हमेशा होगा, लेकिन उसके मल्टीपल से ये जरूरी नहीं है कि वो डिविजिबल हो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 6 and 3, दैट इज ट्रू, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कोई भी नंबर अगर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है, यहाँ पर 18 से डिविजिबल दिया गया है, तो वो नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर होंगे उनसे भी हमेशा डिविजिबल होगा, सो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम राइट कर सकते हैं 6 multiply 3, सो 6 and 3 दोनों ही हमारे 18 के मल्टीपल होंगे, इसीलिए गिवन नंबर 6 और 3 से भी हमारा डिविजिबल बनेगा, सो इट इज ट्रू। सी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 9 and 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट से भी हमेशा डिविजिबल होगा। पार्ट डी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 आर डिविजिबल बाई 4। अगर सभी नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, दैट इज ट्रू, क्योंकि 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में राइट कर सकते हैं 4 multiply 2, 4 और 2 8 के फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो उसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस किया था, सो दिस इज ट्रू। ई पार्ट, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नंबर्स सेपरेटली देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई देयर सम, दैट इज फॉल्स। यहां पर दिया गया है कोई भी नंबर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 2 नंबर से सेपरेटली तो वो उनके सम से भी डिविजिबल होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 12 का, 12 जो हैं वो 3 से भी डिविजिबल हैं और 4 से भी डिविजिबल हैं, इट मीन्स 3 और 4 से वो सेपरेटली डिविजिबल हैं। अगर हम 3 और 4 का सम फाइंड करते हैं दैट इज 7, लेकिन 12 जो हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं है, सो हम कह सकते हैं अगर कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 नंबर्स से सेपरेटली तो ये जरूरी नहीं है
कि वो नंबर उन दोनों के सम से भी डिविजिबल हो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.